Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Guys, आज की इस वीडियो में मैं एक हिंदी पैसेज लाया हूँ, इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में. सबसे पहले मैं आपको पैसेज पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद उसमें जो भी स्ट्रक्चर चाहिए वो बताऊँगा और जो भी वर्ड्स मीनिंग चाहिए वो बताऊँगा, फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना. चलिए शुरू करते हैं. ये लिखा है कि एक कुंती नाम की राजकुमारी थी, उसके सपने निराले थे. एक दिन उसके राजमहल में दुर्वासा ऋषि पधारे. राजकुमारी ने उनकी अच्छी तरह से सेवा की, बदले में उन्होंने उसे 5 वरदान दिए और कहा ये वरदान देवताओं से पुत्र प्राप्त करने में उसकी मदद करेंगे. कुंती बिना सोचे समझे सूर्य देवता से एक बच्चा मांगा. कुंती ने, यहां ने कर देते हैं, और परिणाम स्वरूप वो एक बिन ब्याही मां बन गई. बिन ब्याही मां बन गई. अब यहां तक ये है गाइस, इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. स्ट्रक्चर कैसे होंगे? इसमें एक स्ट्रक्चर यूज हुआ है, देयर और उसके साथ वॉज लगाइए और जो भी है दिखा दीजिए. एक है तो वॉज, एक से ज्यादा है तो वॉज. जैसे कि एक राजकुमारी थी, देयर वॉज अ प्रिंसेस. एक राजा था, देयर वॉज अ किंग. दो लड़के थे, देयर वर टू बॉयज. तो ये देयर वाला फॉर्मूला आप यहां लगाएंगे. एक यूज हुआ है सब्जेक्ट, इसके साथ हैड लगाइए और जो भी आइटम किसी के पास था वो दिखाइए. पास्ट का पोजेशन, जैसे अगर है उसके सपने निराले थे, यानी कि उसके पास तो सपने थे, तो शी हैड वंडरफुल ड्रीम्स. ऐसे करके उसके पास एक कार थी, शी हैड अ कार. तो ये हैड जो है पास्ट का पोजेशन है कि उसके पास वो था. उसके बाद है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट. इस पर ये सारा है बेस्ड. कुछ भी हुआ पास्ट इंडेफिनिट. दुर्वासा ऋषि आए तो पास्ट इंडेफिनिट. कि सेज दुर्वासा केम या पेड अ विजिट, ये सब पास्ट में आपको दिखाना है. तो स्ट्रक्चर तो बस यही तीन है. वोकैब्स बहुत ज्यादा है, देख लीजिए. निराला, जो निराले सपने हैं तो निराले को वंडरफुल आप बोलेंगे. पधारना, पधारने को बोलते पे अ विजिट. पे अ विजिट, तो पे का सेकेंड फॉर्म पेड हो जाएगा. नहीं पता पे अ विजिट तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, केम ऐसे भी कह सकते हैं, बट ये एक अच्छा फ्रेज है. सेवा करना, इसको बोलते हैं सर्व. सर्व मतलब सेवा करना. बदले में इसे बोलेंगे इन रिटर्न. इन रिटर्न दिखाई दे रहा आपको. वरदान देना, गिफ्ट बून्स. बून मतलब वरदान. प्राप्त करना उसको बोलेंगे ऑब्टेन. नीचे लिखा है बिना सोचे समझे. पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बिना सोचे समझे. इसको बोलते विदाउट गिविंग मच थॉट. अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां लिख देता हूं विदाउट. हाँ, विदाउट गिविंग मच थॉट. इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे. विदाउट गिविंग मच थॉट. फिर है परिणाम स्वरूप, इसको बोलेंगे कॉन्सिक्वेंटली. ये दिख रहा है आपको. बिन ब्याही माँ, इसको बोलेंगे अनवेड मदर. अनवेड, जिसकी शादी ना हुई हो, तो अनवेड मदर. तो ये टोटल है. सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूं और आप भी कीजिए. चलिए गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए गाइस, देखते हैं. एक कुंती नाम की राजकुमारी थी, तो आप देर से उठाइए. There was a princess. There was a princess. यहां कर दीजिए named. Named Kunti. हो गया है sentence. There was a princess. एक princess की spelling थी, princess. There was a princess named Kunti, जिसका नाम Kunti था. अब है उसके सपने निराले थे. उसके सपने दो तरीके से बन सकते हैं. एक तो आप वही स्ट्रक्चर लगाइए कि शी हैड वंडरफुल ड्रीम्स. शी हैड वंडरफुल ड्रीम्स, या हर ड्रीम्स वर वंडरफुल, ऐसे भी कह सकते हैं. उसके सपने निराले थे. एक दिन उसके राजमहल में दुर्वासा ऋषि पधारे. एक दिन, वन डे, वन डे. दुर्वासा ऋषि, ये सब्जेक्ट है आपका.
दुर्वासा ऋषि। तो आप सेज, ऋषि को सेज कहते हैं, तो यहीं पर सेज लगा दीजिए, सेज दुर्वासा, स ही है, शा नहीं है, दुर्वासा। अब पधारने को पे अ विजिट कहते हैं, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा पेड, पेड अ विजिट। वन डे सेज या सेंट दुर्वासा पेड अ विजिट टू हर पैलेस, उसके राजमहल में, टू हर पैलेस, देख लीजिए, एक दिन यानी कि वन डे, तो उसके राजमहल में, इसको बोलेंगे टू हर पैलेस, दुर्वासा ऋषि पधारे, यानी कि सेज दुर्वासा पेड अ विजिट, हो गया। अब है कि राजकुमारी ने उनकी अच्छी तरह से सेवा की, राजकुमारी ने, द प्रिंसेस, द प्रिंसेस, सेवा करने को सर्व कहते हैं, तो सेकेंड फॉर्म लगेगा सर्व्ड, द प्रिंसेस सर्व्ड हिम वेल, वेल मतलब अच्छी तरीके से, वेरी वेल भी कह सकते हैं, हो गया। बदले में उन्होंने उसे 5 वरदान दिए, बदले में, इन रिटर्न, इसको बोलेंगे इन रिटर्न, इन रिटर्न उन्होंने, यानी कि ही गिफ्टेड, गिफ्टेड हर 5 बूंस, यानी कि 5 वरदान दिए, और कहा, एंड सेड, और कहा कि ये वरदान देवताओं से पुत्र प्राप्त करने में उसकी मदद करेंगे, यानी कि ये वरदान मदद करेंगे, एंड सेड दैट ये वरदान, दीज बूंस, करेंगे, फ्यूचर है, तो विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, इतना आपको पता है, या पास्ट की बात हो रही कि सेड, तो विल को हम वुड कर देंगे, नरेशन है ये, दैट दीज बूंस वुड हेल्प हर, उसकी मदद करेंगे, हेल्प हर, देवताओं से पुत्र प्राप्त करने में, तो वुड हेल्प हर ऑब्टेन, मतलब प्राप्त करना, ऑब्टेन पुत्र, यानी कि सन या सन्स ज्यादा कर दीजिए, ऑब्टेन सन्स फ्रॉम फ्रॉम गॉड्स, देवताओं से। यहां तक समझ में आ रहा है कि द प्रिंसेस सर्व्ड हिम वेरी वेल या वेल, इन रिटर्न ही गिफ्टेड हर 5 बूंस एंड सेड दैट दीज बूंस वुड हेल्प हर ऑब्टेन सन्स फ्रॉम गॉड्स, देवताओं से। कुंती ने बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे की इंग्लिश पता है ना, विदाउट गिविंग मच थॉट, यानी कि बिना सोचे समझे कुंती ने सूर्य देवता से एक बच्चा मांगा, कुंती आस्क्ड सन गॉड, सूर्य देवता, सन गॉड फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चा मांगा, फॉर अ चाइल्ड, और परिणाम स्वरूप, एंड परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली वो एक बिन ब्याही मां बन गई, शी बिकेम, बन गई, शी बिकेम एन अनवेड मदर, फुल स्टॉप। क्लियर है गाइस? देखिए, There was a princess named Kunti. She had wonderful dreams. One day, sage Durvasa paid a visit to her palace. The princess served him well. In return, he gifted her 5 boons and said that these boons would help her obtain sons from gods. Without giving much thought, Kunti asked sun god for a child, and consequently she became an unwed mother. So यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। बिगिनर्स के लिए सीरीज है, बीच बीच में लाता रहूंगा ऐसे ट्रांसलेशन जो गुच्छेदार होते हैं। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज। Thank you.
you.